सर आ, आपकी स्टोरी हमने सुनी थी तो एक टाइम आया था जब आप गंगा किनारे जाके बैठ गए थे उस समय आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उस समय मतलब आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि अब आगे नहीं यहाँ से वापस जाना है रास्ता ही नहीं था घर जाने के लिए एटलीस्ट नब्बे रुपये चाहिए थे जेब में चालीस रुपये थे कैसे घर जाते हैं और हम गंगा के किनारे चुपचाप बैठे बैठे हम कहें कि अब बहुत टेंशन हो गया अब घर जाना चाहिए रूम पे तो किराए के रूम पे ही आदमी सारे लोग रहते गए वहाँ पे तो रूम लॉक हो गया था तुम खटखटाए तो ऊपर से गुस्सा से बोले जो ऑनर थे क्या टाइम हो गया है तुम कहीं नौ दस बज रहा होगा घड़ी देखिए तो देखिए तो दो बज रहा था रात का दो ढाई बज गया था वहाँ टेंशन में आप तो होता है कई बार ऐसा समय आएगा कि लगेगा जैसे अब कुछ नहीं हो सकता है तो इससे घबराना नहीं है कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है जो बातें आपने बताई कि घर में प्रॉब्लम तो ने फेस करी वहां पर आप अकेले नहीं है बहुत बहुत लोगों ने ये फेस करी तरह की हैगल्स देखी बहुत तरह की स्ट्रगल्स देखी लेकिन वो सब इतने कामयाब नहीं हो पाए जितने कि आप हुए तो आपके अंदर ऐसा कुछ ना कुछ है जो औरों के अंदर नहीं है तो वो मैं जानना चाह रहा हूं कि वो ऐसा क्या था जहां से कि आपका दिमाग यहां तक सोच पा रहा है कि मैं पूरे इंडिया में

होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए हमें कुछ भी करना ना पड़े दूसरी कैटेगरी होती है है लोगों की जिनको जितना मिलता है, उसमें भी चोरी चकारी करते हैं या कोशिश करते हैं कि उससे कम दे सामने वाले को जितना कि हमें मिल रहा है तीसरी कैटेगरी होती है लोगों की जो इनके जैसे लोग होते हैं वो क्या करते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने किसी से एक रुपए भी लिया देखा तो दो ढाई सौ रुपए कुछ भी नहीं होता है दो ढाई सौ रुपए की वैल्यू थिंकिंग है और उस इंसान में जो मीडिया है आप अपने आप को अपने आप के ऊपर समय दीजिए उसको डेवलप कीजिए जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं क्या बात है